चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स प्लस फोर बाई एक्स इक्वल टू फोर हो तो एक्स का पावर क्यू प्लस फोर बाई एक्स का पावर क्यू का मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक्स का मान निकाल लेंगे और इसमें भर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो एक्स में एक्स से गुना कराएंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स में एक्स से गुना करा दिए एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, चार है तो चार, आ नीचे क्या होगा एक्स इक्वल टू में चार। अब एक्स को उधर भेजेंगे तो फोर एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू फोर एक्स। अब सबको एक साइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में फोर एक्स, और प्लस फोर इक्वल टू क्या बचा जीरो। अब इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, फैक्टर तोड़ेंगे तो कौन कौन टूटेगा, एक्स स्क्वायर आ माइनस दो एक्स आ फिर माइनस दो एक्स और प्लस चार इक्वल टू जीरो। फैक्टर कैसे तोड़ते हैं देखिए, वैसी दो संख्याएं जिसको जोड़ने या घटाने से माइनस फोर एक्स आ जाए और गुना करने से फोर एक्स स्क्वायर आ जाए, तो जब हम गुना करेंगे टू एक्स और टू एक्स तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टू एक्स गुना करेंगे तो दो दूनी के चार, आ एक्स एक्स गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस टू एक्स दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस फोर एक्स, यानी कि हमारा फैक्टर जो था ये सही टूटा है। अब कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो एगो एक्स बचेगा और इसमें से दो बचेगा। यहाँ पर माइनस टू कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ पर एक्स बचेगा, और यहाँ प्लस लाना है तो यहाँ माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ भी माइनस कॉमन हो जाएगा और यहाँ भी दो हो जाएगा बराबर जीरो। अब जो ये दो गो रहता है, एक कॉमन निकालते हैं उसको एक साथ, और ये दोनों में से कोई एक लिखते हैं। ठीक ठीक है, अब इक्वल टू कितना जीरो, तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना दो। अब एक्स का मान भर दीजिए, देखिए एक्स का मान कितना भरेंगे दो, तो दो का क्यू आ प्लस चार आ बटा फिर नीचे दो का क्यू इक्वल टू व्हाट, इसी का मान ना पूछा है। अब सॉल्व कर दीजिए, दो का क्यू आठ आ प्लस चार बटा आठ, आठ अट्ठा चौंसठ है चार, अड़सठ बटा आठ हो जाएगा, भाग देंगे कितने बार में कटेगा, चार से कट जाएगा दो से चौंतीस चार, ये सत्रह और ये दो, फिर भाग देंगे कितना हो जाएगा आठ दशमलव आठ पूर्णांक एक बट्टा दो, यही ना आएगा। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, तीन नंबर है, देखिए क्या है, थ्री एक्स इक्वल टू सिक्स हो तो फोर एक्स माइनस वन बट्टा थ्री वाई। ठीक, इसी का मान ज्ञात करना। चलिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ तीन ऊपर है और चार नीचे है, और यहाँ पर चार ऊपर है तीन नीचे है, इसी का मान निकालना ना। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये आपका बराबर के एक साइड जो है ये एक पार्ट हो गया, और बराबर के उस साइड वाला ये दूसरा पार्ट हो गया, तो दोनों तरफ यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ हमको लाना कितना है चार बटा तीन, तो चार बटा तीन से गुना करने पर। अब चलिए गुना कराइए, किस में, इसमें आप गुना करेंगे पहले वाला में और ले आ देंगे दूसरा वाला को। अब दूसरा वाला को कैसे जाने कि चार बटा तीन से ही गुना कराना है, तो हमको यहाँ लाना है ऊपर चार और नीचे तीन के रूप में, तो चार बटा तीन से गुना कराइए दोनों तरफ। गुना कराएंगे तो पहले से ये थ्री एक्स माइनस वन बाई फोर वाई, इसमें गुना करा देंगे चार बटा तीन से आ इक्वल टू छः पहले से है, इसमें गुना करा देंगे चार बटा तीन से, तो ये तो बेचारा कट गया, तीन दूनी छः व चार दूनी आठ बचा, इधर गुना कराइए थ्री एक्स में चार बटा तीन से गुना कराएंगे तो थ्री एक्स आ गुना चार बटा तीन, ये माइनस है तो माइनस एक बट्टा फोर वाई में चार बट्टा तीन से गुना करा देंगे
तो एक बट्टा फोर वाई आ गुना चार बट्टा तीन, चार से चार कट जाएगा, ये तीन से तीन कट जाएगा, तो क्या बचा, इक्वल टू में चार दूनी आठ, यहाँ एक से यहाँ चार है, दोनों को गुना कराएंगे तो चार गो एक माइनस, यहाँ पर ऊपर एक बचा और नीचे तीन गो वाई बचा, बराबर कितना आठ। यहाँ देखिए तो पूछ रहा है कि फोर एक्स माइनस वन बाई थ्री वाई का मान कितना होगा, तो हम आँख मूंद के मार नहीं देंगे कि आठ होगा, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। हाँ सुनिए 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 एक मिनट, जब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये चार बटा तीन से ही गुना काहे करवाएं, इसका कोई नियम होगा ना, हम कैसे जानेंगे चार बटा तीन से गुना कराएं, तो आपको हर हमेशा पकड़ना है यहाँ से कि ऊपर कितना है और नीचे कितना है, ऊपर जितना रहेगा नीचे जितना रहेगा उतना ही से यहाँ गुना करा देना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए कोई काम छः दिन में कर सकता है और बी वही काम बारह दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में कर सकता है ना, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप पढ़े होंगे वर्क एंड टाइम में कि ए किसी काम को अगर 12 दिन में करता है तो उसका एक दिन का कार्य क्षमता एक बट्टा बारह, या एक दिन में कितना भाग करेगा तो एक बट्टा बारह भाग कम करेगा ना, और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, अगर 12 दिन में ए कर रहा है 6 दिन में, अगर बी से कराएंगे 6 दिन में या ए से कराएंगे 12 दिन में, तो इसका कितना हो जाएगा एक बट्टा 6 भाग, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों का क्या करेंगे एक बट्टा बारह भाग ये एक दिन में किया आ एक बट्टा छः भाग ये एक दिन में किया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना किया, तो वन प्लस दो बार में आए तीन बट्टा बारह भाग किया, एक दिन में दोनों मिलकर ए प्लस बी कितना भाग काम किया, तो तीन बट्टा बारह भाग, इसको काट सकते हैं कि तीन चौका बारह यानी एक बट्टा चार भाग काम किया, तो दोनों मिलकर कितना दिन में ये कर देगा, तो फिर भाग के उल्टा अभी अभी बताए हैं कि दिन होता है, कितना दिन में करेगा तो पलट देंगे तो चार दिन आंसर आ जाएगा, कोई डाउट। क्वेश्चन कहता है कि इक्यासी को तीन भागों में इस प्रकार बांटिए, इक्यासी को तीन भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का एक बट्टा दो, दूसरे भाग का एक बट्टा तीन और तीसरे भाग का एक बट्टा चार आपस में बराबर है, बांटना है किसको, इक्यासी को, ध्यान दीजिएगा बुआ, और पहले भाग का एक बट्टा तीन कह रहा है, एक बट्टा दो कह रहा है और दूसरे भाग का एक बट्टा तीन कह रहा है और तीसरे भाग का एक बट्टा चार कह रहा है कि ये सब आपस में क्या है बराबर है, तो तीनों भागवा क्या हो जाएगा, तो देखिए चार गो तीन गो सात गो दो गो नौ गो, तो नौ से अब फिर हमें दो से गुना कराएंगे तो नौ दूनी आ नौ तिया आ नौ चौका छत्तीस, तो यही आपका आ गया तीनों भागवा अठारह छत्तीस सत्ताईस। एक मिनट उसको चलने दीजिए, रोकिए मत, अब देखिए ये क्या था, तो ये डेमो था, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आइए अब हमारे रडार में अब कैसे बनाया जाता है इसको ना। देखिए कहते हैं इक्यासी को तीन भाग में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का एक बट्टा दो, तो पहला भाग को ए मान लीजिए और इसका एक बट्टा दो और दूसरे भाग का एक बट्टा तीन, तो एक बट्टा तीन और तीसरा भाग सी मान लेते हैं और इसका एक बट्टा चार, ये बेचारा आपस में सब बराबर है और बांटना है इक्यासी को तीन भाग में, तो तीनों भागवा क्या होगा, तो देखिए ए बटा टू हो जाएगा ना, आ ये बी बटा थ्री हो जाएगा ना, और ये सी बटा चार हो जाएगा, इसको आप सबको लघुत्तम निकाल के बारी बारी से भर दीजिए, आ न बुझाए तो बराबर में इसको मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हैं के मान लेते हैं, देखिए ए आ बटा दो आ बराबर में क्या है के, तो ए का मान कितना आ जाएगा 2k, और फिर आगे आते हैं b आ बटा तीन आ बराबर में है k, तो b का मान कितना हो जाएगा 3k, फिर आगे आते हैं c आ बटा चार बराबर में है k, तो c का मान कितना हो जाएगा 4k, अब कह रहा है कि तीनों भाग मिलकर कितना हो जाएगा ना, तो तीनों भाग के जोड़ देंगे तो a प्लस बी आ प्लस सी आ दू गो के
आ प्लस तीन गो के आ प्लस चार गो के सॉरी सब मिलके कै गो के नौ गो के। इधर ध्यान दीजिए, बात करते हैं भोजपुरी में आइए, हम जो बता रहे हैं वो ध्यान दीजिए। तीनों मिलके नौ गो के आ तीनों मिलके इक्यासी है तो ये गो के बराबर नौ। तो के का मान जब नौ आ गया तो तीनों को पूछ रहा है तो नौ दो गो के बराबर नौ दूनी अठारह आ तीन गो के बराबर नती आई आ चार गो के बराबर नौ चौका तो आंसर नौ आ गया। आप चलिए कहता है कि विजय एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता है। खरीदता है का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य 25% छूट लेकर खरीदा है तथा 660 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाया है। तो आप लोग बताइए कि लाभ और हानि किस पे होता है? आ क्रय मूल्य हमको पता नहीं है तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया और इसी 100 रुपया पर कै परसेंट लाभ लिया 10% तो बेच दिया 110% में, ये बन गया विक्रय मूल्य। आपको किताब में दिया है कि 660 रुपया विक्रय मूल्य है तो 0 से 0 कट गया 11 से 6 बार में, एक्स बराबर 600 रुपया यानी कि आपका कर अंक ये क्रय मूल्य कितना आया 600 रुपया। अब निकालना है हमको अंकित मूल्य तो अंकित मूल्य पर छूट देगा, कितना छूट दिया तो 25% तो देगा हमको कितने में तो 75% में। आ रुपया में कितने में हमको दिया तो 600 रुपये में हम खरीद कर ले आए तो मेरे लिए ये क्रय मूल्य तो यहाँ डाल देंगे 25 75 25 4 100 तीन से काटेंगे 200 बार में आ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 दुनी अंकित मूल्य बराबर 800। अंकित मूल्य बराबर 800 रुपया ये तो उठा कर पटक दीजिएगा तो अपने से फूट के आंसर आ जाएगा, इसमें करना थोड़ी कुछ है। चलिए ये फूट गया। कहता है कि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप इसको इतिहास के तरह याद कर जाइए कि 4 गुना हो जाएगा। जैसे विकर्ण को 2 गुना करेगा तो इतिहास के तरह याद कर जाइए कि क्षेत्रफल पर कई गुना पड़ जाएगा 4 गुना। विकर्ण 2 गुना तो क्षेत्रफल 4 गुना। अब कैसे होगा इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, अगर मान के चलिए कि वर्ग का विकर्ण मान लीजिए कुछ, वर्ग का विकर्ण बराबर कितना मान लिया जाए कुछ भी मानिए 5 10 15 20 25 50 100 कुछ भी मानिए 100 मान लेते हैं कि 100 मीटर वर्ग का विकर्ण 100 मीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 क्षेत्रफल होता है ठीक। तो विकर्ण का स्क्वायर 2 बार गुना कर दिए तो स्क्वायर हो गया अब बाई 2 सूत्र का 2 से काटेंगे 50 बार में तो ये कितना हो गया 500 मीटर तो ये पहले वाला क्षेत्रफल था अब 5000 हो जाएगा सॉरी 5000 मीटर स्क्वायर ये अपना क्षेत्रफल आ गया। अब वर्ग का विकर्ण कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए, पहले 100 मीटर माने हैं तो 2 गुना करेगा तो 200 मीटर हो जाएगा ना। अब उसका नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो फिर वैसा ही विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा हमेशा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। एक होता है भुजा स्क्वायर तो जब भुजा दिया रहेगा तो भुजा स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन जब भुजा न दिया रहे विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 तो स्क्वायर करने के लिए 2 बार गुना आ सूत्र का 2 है काटेंगे तो 100 हो जाएगा, कितना हो गया 20,000 मीटर स्क्वायर। अब देखिए तो कई गुना हो गया क्षेत्रफल, पहले था 5,000 अब हो गया 20,000 तो 5 × 4 = 20,000 हो गया 4 गुना हो गया ना, तो इसमें डाउट कहाँ है? देखिए कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सुनिए सुनिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना तो बीच में ये केंद्र होता है और यहाँ से कहीं भी अगर मिलाइएगा तो उसी को त्रिज्या कहते हैं, चाहे जिधर मिला दीजिए इसी को कहेंगे त्रिज्या। आ जब यहाँ से यहाँ तक तो आर पार जब पूरा लेंगे तो उसको कहते हैं व्यास ना, तो हम सबको मिटा दे रहे हैं आइए वो रहने देते हैं त्रिज्या ठीक। कहीं से एगो लीजिएगा केंद्र से तो ये आपका जैसे परिधि में टच किया तो ये क्या हो गया ये त्रिज्या। और सुनिए सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए ये वर्ग का ये आधा हो गया
आ जब पूरा खींच देंगे तो विकर्ण हो जाएगा वर्ग का, तो ये वर्ग का विकर्ण हो गया और वृत्त का ये व्यास हो गया। तो आप पहले ज्ञात कर लीजिए कि पहले कितना था ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, अब इधर भी 8 सेंटीमीटर, दोनों मिलकर कितना सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का विकर्ण विकर्ण कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल अभी अभी बताए हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, तो 2 से है 8 बार में 16 28 100, आ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में लगाते हैं, आंसर ना आ गया भाई। क्वेश्चन कहता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। दो गो रेलगाड़ी है, ध्यान दीजिए भाई, दो गो रेलगाड़ी है, एगो इधर जा रही है इसकी लंबाई 100 मीटर है, एगो और रेलगाड़ी है जो इधर से आ रही है इसकी लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर है, ये थोड़ा बड़ी है उससे, 120 मीटर लंबी है। पहली रेलगाड़ी की चाल दिया है 54 किलोमीटर, सॉरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, एक घंटा में जितना चलेगा उसी को बोलते हैं प्रति घंटा। तो ये रेलगाड़ी एक घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, तो हाई रेलगाड़ी एक घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी पता नहीं है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का चाल पता चल गया, दोनों का समय दूरी पता चल गया। तो अब चलिए, कहता है रेलगाड़ी का नियम कि जब दो रेलगाड़ी जब विपरीत दिशा से माने चले तो दोनों के चाल को जोड़ देते हैं, और जब एक ही दिशा में चलती है तो दोनों के चाल घटा देते हैं। तो देखिए तो भाई, ये एक ही दिशा में जा रही है कि विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत में, तो इसका कुल या सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर पहली रेलगाड़ी के 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जोड़ दिए तो सापेक्ष चाल आ गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरियाँ हमारा मीटर में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप रेलगाड़ी में पढ़े होंगे कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, जबकि किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो ये तो हमारा पहले से किलोमीटर में है, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करा देंगे मीटर और प्रति सेकंड, ये चाल आ गया सापेक्ष चाल। ठीक, अब कुल दूरी यानी कि टोटल दूरी बराबर 100 मीटर की एक रेलगाड़ी है, 120 मीटर की एक रेलगाड़ी, दोनों मिलकर कितना 220 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। तो हम पढ़े हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय, और समय लगा रहा है कितना देरी 6 सेकेंड, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी तो 220 और बराबर चाल देखिए कितना है, तो 50 + x आ इंटू में है 5/18 और चाल आ गुने समय कितना है, तो 6 सेकेंड। क्या यहाँ तो कोई डाउट, आप सुनिए, काट दीजिए, काटा काटी तो अभी करता है 3 बार में, आप गुना करा दीजिए 5/3 से 50 में गुना करा दीजिए, इधर तो 220 बेचारा चुपचाप रहेगा, 5/3 से 50 में गुना कराएंगे तो 250/3 आ प्लस में 5x/3 आ सुनिए, ये तो थोड़ा लंबा हो गया, चुपचाप क्या कीजिए कि 5/3 है, इसको उठा के ले यह ने पटक दीजिए और छोटा हो जाएगा, तो 220 आगुने 3/5, जब उठा के लेकर पटकेंगे तो उल्टा हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा ना, सीधा तो उठा के लेकर रखेंगे, उठा के लेकर पटकेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब इधर बचा 50 आगुना में है जो भी था सब हट गया। चलिए अब 5 से काट देते हैं, 5 × 20 × 20 आगुना करा देते हैं 144 कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 आ 4 × 3 = 12 = 13 132 बराबर में बचा 50 + x हाई प्लस में है ना, तो माइनस में घटा दीजिए कितना बचेगा 82, तो एक्स बराबर क्या आया 82। तो उसका पूछ रहा है कि रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चाल कितना होगा, तो देखिए तो हम पहले माने हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा आईसी का मानवा या 82, तो दूसरी रेलगाड़ी के चाल 82 किलोमीटर प्रति घंटा आया, इसमें कहीं डाउट है, कहाँ डाउट है बोलिए, हाँ तो हम ना चेंज किए हैं, लेकिन भाई वो यहाँ देखिए ना, हम माने हैं काछी में किलोमीटर पर घंटा, हाँ इसका एक्स का मान जो आएगा तो काछी में आएगा, उसी में ना आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ जाची में मान के चलेंगे उसी उतारिए, इसको नोट कीजिए, उसी में आएगा लिया जाएगा कार के ऊंचाई से हाइट एंड डिस्टेंस है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्यूशन को इंतजार कीजिए। कहता है कि 125 मीटर ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो वह कार टावर से कितनी दूर है। तो सबसे पहले आप एक टावर बना लीजिए, मान के चलिए कि मेरा ये टावर हो गया ना। इस टावर की कितनी ऊंचाई दिया हुआ है, 125 मीटर, 125 मीटर ये टावर की ऊंचाई हो गया। अब इस टावर से कार के साथ और नमन कोण 45 डिग्री है, तो देखिए यहाँ से 45 डिग्री है कार के साथ, तो कार कितनी दूरी पर होगी कि इसका जो यहाँ अवनमन कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। तो ध्यान दीजिए, सुनिए सुनिए, एक दिन आपको बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाए थे, मान के चलिए ये कार हो गया और ये टावर का आपका ऊपर वाला भाग हो गया, ये भूमिगत भाग हो गया। तो आप पढ़े होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में कि जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है। हाँ, जितना अवनमन कोण होगा उतना ही उन्नयन कोण होता है, ठीक। अब चलिए, जब अवनमन कोण आपका दे दिया है 45 डिग्री, तो जब दोनों बराबर होता है तो यह तो 45 डिग्री ना होगा उन्नयन कोण, समझ में आ रहा है ना। ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी। अब हमको निकालना है कि इस टावर से ही कारवा जोन है ये कितना के दूरी पर है, तो है ना दूरियाँ निकालना है। तो मान लीजिए कि एक्स की दूरी पर है, एक्स मीटर की दूरी पर है। अब ध्यान दीजिए, थीटा का मान यहाँ पर जैसे ही आ गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे कि टैन हाइट एंड डिस्टेंस में थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, इसी को बोलते हैं पी बाई बी। क्या कोई डाउट, इसको लिख सकते हैं कि लंब बटा आधार। तो देखिए भैया, टैन थीटा के ध्यान दीजिए, टैन थीटा, थीटा के जगह पर क्या डालेंगे, 45 डिग्री, तो टैन आ थीटा के जगह पर 45 डिग्री आ बराबर लंब बटा आधार, लंब के मान कितना डालेंगे 125, आधार के मान कितना डालेंगे x। अब टैन थीटा का मान कितना होता है, एक, याद किया ना छठा सतह में टैन के मान एक होता है, टैन 45 डिग्री का मान जब भी होगा तो एक होगा, तो यहाँ तो बेचारा एक अपना हो जाएगा। हाई एक्स जोन है, आएगा एक में गुना करेगा तो एक से रहेगा और उधर बच जाएगा 145, तो एक्स के मान 145 आ गया। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए, पहले 125 जो आया ये क्या आया, हाई एक्स के मान आया, तो ये टावर तर से ये कार कितनी दूरी पर है, 125 मीटर की दूरी पर है। आपका इतना आंसर है, आप ध्यान दीजिए, घबराइए मत, अभी और समझिए, सुनिए सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो आप समझ ही गए और उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये टावर से ये कार कितनी दूरी पर है यही हमको निकाल लेना है। सी मान लेते हैं, सी से कार भी होता है या सी एक पॉइंट भी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, तो हम पूछेंगे आपसे कि कितने डिग्री के कोण बना, 90 डिग्री के। तो आप हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े हैं कि जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है, तो अवनमन कोण 45 डिग्री, तो उन्नयन कोण हमारा कितना डिग्री, 45 डिग्री। आ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, उधर मत देखिए, जब 90 डिग्री यहाँ पर है तो हई दूगो कोणवा मिल के 90 डिग्री और बच जाएगा, आई दूगो कोणवा में एगो जब 45 है तो हई कितना बचेगा, यो तो 45 डिग्री हो गया। तो जब दो कोण आपस में समान होते हैं तो उससे संलग्न भुजा भी आपस में समान होती है, तो लंब हमारा 125 मीटर, तो भैया हई हो तो 125 मीटर आ जाएगा, इसको कहते हैं जुनून। अगर याद है तो सब आबाद है, भूल गए तो सब बर्बाद है ना। बनाने की क्या ज़रूरत है, 90 डिग्री है आइए गया, दूसरा 45 डिग्री दिया है, तीसरा अपने आप बच जाएगा 45। तो जब दो गो कोण आपस में समान होते हैं तो उससे संलग्न भुजा भी आपस में समान होते हैं, तो एगो 125 तो दूसरा 125 कहाँ बनाना है इसको, कि एक संख्या में से 48 घटाने पर वह एक तिहाई रह जाती है, तो उस संख्या का दो तिहाई क्या होगा। एक संख्या में से और वो कौन सी संख्या है सो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि वह संख्या बराबर एक्स,
अब इसमें से कितना घटाएंगे? 48 घटाने पर यह संख्या एक तिहाई रह जाता है, तो उसी संख्या का दो तिहाई कितना होगा? तो पहले ये संख्या निकालेंगे, कौन है निकालिए। अब चलिए तीन को इधर लाएंगे तो 3x माइनस 48 में गुना करा देंगे तीन से, कह कितना हो जाएगा? 40 थी 120 और 3 के 24 144 और बराबर में x बचा। अब ये वो x है, अकेले बेचारा पड़ा हुआ है, डर लग रहा है इसके साथ आना चाह रहा है, तो ले आके इसमें से घटा देंगे तो 2x आई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अभी दो से काटेंगे कई बार में? 62 बार में, 72 बार में सॉरी। तो ये 72 जो बचा उस संख्या का मान आ गया, तो कह रहा है कि उस संख्या का कितना दो तिहाई कितना होगा, यही ना पूछ रहा है कि दो तिहाई कितना होगा। तो संख्या वो तो अपने आप निकल गया है, अब हमको निकाल देना है इसका दो आ तिहाई माने तीन। तीन से काटेंगे कई बार में? 24 दूनी 48, तो यहाँ पर लिखेंगे 48, मार दीजिए टॉप देने, एक नंबर का काम हो गया। वो हैदराबाद की लड़की SP बनी उसकी बात छोड़िए, आप लड़का हैं आप DM बन के दिखाइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाई के अनुपात 5:3, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? दो गो बेलन है, बेलन माने समझ रहे हैं ना, बेलन को अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर, आ हिंदी में बोलते हैं बेलन, आ भोजपुरी में बोलते हैं बेलना। और इसके त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, पहले दो गो बेलन बना लेते हैं, एगो बेलन हो गया, अब ये दूसरा बेलन हो गया, चाहे दूसरा बेलन को थोड़ा साइड में बनाइए ना, इसको यहाँ बना दे रहे हैं कि दो गो बेलन। चलिए एगो ई बेलन हो गया, एगो ई बेलन हो गया, इसका त्रिज्या दे दिया है, इसका भी त्रिज्या दे दिया है, कितना के अनुपात में? एगो बेलन आ है दूसरा बेलन, तो दोनों के त्रिज्या के अनुपात दे दिया कितना कितना 2:3। अगर इसका त्रिज्या r बराबर 2 तो इसका त्रिज्या r बराबर 3। ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, इसका ऊंचाई h बराबर 5 तो इसका ऊंचाई h बराबर 3। तो कह रहा है कि इसके आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो हम बताए थे कि बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन आ बराबर, हम सूत्र बताए थे कि बेलन का आयतन जब भी निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर आ एच, कोई डाउट? चलिए अब पाई का मान तो रहेगा कितना, पाई आ आर स्क्वायर, तो पहले ये गो के आयतन निकालेंगे आर स्क्वायर, आर के इसका मान दो है तो दो दूनी 4, चाहे मान भर दें, चलिए मान भर देते हैं आर स्क्वायर यानी 2² आई इंटू एच के मान कितना है 5, तो 5 ये वो का आयतन आ गया। अब दूसरा का आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, इसका आर के मान है 3, तो आर स्क्वायर के जगह पर 3 का स्क्वायर आई इंटू एच के ऊंचाई के मान है इसका 3। अब से दोनों का अनुपात निकल गया, भाई पाई से पाई गया आ दो दूनी 4×5 और बीच में अनुपात है 3×3=9 तो दोनों के आयतन के अनुपात ना निकल गए 20:27। इसमें कोई डाउट है? नो डाउट। गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा? देखिए 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 ध्यान दीजिए, एक वो गोला है जिसका व्यास दिया 6 सेंटीमीटर और उसी को पिघला देना है, या पिघला के शंकु बना देना है, और शंकुआ का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर ना, तो चलिए पिघलाया जाए। पिघलाते हैं गोला को, एक वो गोला हो गया, इसका व्यास दिया है, गोला चाहे जैसे आप बनाइए, कोई सह बनाइए गोला होना चाहिए। चलिए एक गोला हो गया, गोला का व्यास ये हो गया, व्यास दिया है कितना सेंटीमीटर? दिया है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये गोला का आर त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब आइए इसको बनाना है हमको क्या, तो शंकु बना देना है, ठीक, ये आपका शंकु हो गया, आ इस शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6, क्यों? क्योंकि ये टोटल इसका व्यास है 12, इसीलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हेकरा के पिघला के या हेकरा के बना देना है,
भोजपुरी में कहते हैं, माने कि गोला को पिघला देना, ये गोला है शंकु बना देना। हाँ ये गोला है, गोला को पिघला करके आए को शंकु बना देना। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि गोला हो चाहे कुछ भी हो, गोला हो चाहे कोई भी हो, अगर पिघला कर बनाएंगे तो सबसे पहले उसका आयतन ज्ञात करेंगे। गोला के आयतन बराबर 4/3 πr³। मास्टर साहब बताए थे फिर भी आप लोग भुला जा रहे हैं। 4/3 और पाई आर क्यू, आर के मान 3 है तो 3 का क्यू हो जाएगा, ये आयतन इसका आ गया। ठीक, अब इसी को पिघला करके इसको बना देना है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा शंकु का, शंकु का ये आपका हो गया गोला का। शंकु का आयतन होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, तो आर के मान कितना, आर का मान कितना दिया है 1/3 πr² h, आर के मान 6 डालेंगे। अब इसको बराबर कर दीजिए आना तो हेकरा से हमें भाग दे दीजिए, बन जाएगा। देखिए तीन से बेचारा 3 गया तो यहाँ पर 4 बचा तो 4 लिखेंगे, पाई है तो पाई लिखेंगे, और 3 का क्यू 27 होता है। अब चलिए यहाँ पर कितना है, पाई है तो पाई से भाग दे देंगे, अच्छा छा 1 36 हो जाएगा, आ एच है तो एच लगा देंगे, पाई से पाई गया, 4 से 9 बार में गया है, 9 से 3 बार में गया, तो यानी कि 3 और बटा एच। देखिए ऊपर ही था नीचे ये था बीच में बराबर था, तो जो नीचे गया था फिर उसको अगर ले आएंगे तो अपने जगह पर चल जाएगा, बीच में बराबर हो जाएगा, एच बराबर। अगर न समझ में आए तो देखिए 3 बार में ये जो काटे हैं यही 3 लिखे हैं यहाँ पर ला करके, यहाँ एच जो बचा है यही एच लिखे हैं यहाँ पर ला के, न बुझाए तो इसको लिख सकते हैं कि 3/h है ना, आ बराबर में क्या बचा 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एच बराबर 3। ये है आपको समझाने के लिए, हाँ ये है आपको एग्जाम के लिए, जो समझ में उसको नोट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कहता है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, तो चौड़ाई अगर 1 cm तो लंबाई 1 + 5 cm हो गया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होता है इसका क्षेत्रफल, लंबाई या गुने चौड़ाई, ये चौड़ाई में 1 + 5 है, ये क्षेत्रफल निकल गया आपका, दिया है क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना 700 m², दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर, कोई डाउट, नो डाउट, क्या ये मीटर ही यहाँ है, यहाँ मीटर है। ठीक, आप गुना कराइए 1² और प्लस 5x, आ इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में कर देते हैं, मीटर 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 स्क्वायर 750 m². अब चलिए मीटर स्क्वायर को क्या करते हैं, हटा देते हैं 1² और प्लस 5x प्लस 750, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 750 बराबर 0, फैक्टर तुरंत जाए, एक्स स्क्वायर प्लस में 30x और माइनस में 25x, फैक्टर सुनिए 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 ध्यान दीजिए, फैक्टर तोड़ते हैं तो हर हमेशा ध्यान रखते हैं कि वह ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर 5 आए और गुना करने पर 750 एक्स स्क्वायर आए, तो आ जाएगा 30 में 25 से गुना कराएंगे 750, और एक्स में एक्स से गुना कराएंगे तो 1² और प्लस में माइनस से गुना कराएंगे तो माइनस। अब इसको जब घटाएंगे तो 30 × 1 = 25 × 1 घटेगा, 5 × 1 बचेगा, इसका मतलब कि हमारा फैक्टर सही है। एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, सॉरी हाँ यहाँ पे आप माइनस 750 लिख करके तब लिखेंगे बराबर में 0, एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचा 30, आ माइनस 25 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x + 30 और बराबर में 0। तो जो कॉमन निकालते हैं उसको लेते हैं एक साथ, x - 25 आज दोनों बच जाता है, वो दोनों में से एक लेते हैं कोनो, तो x + 30 बराबर में क्या है 0। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ प्लस में लेकर चलेंगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा, ठीक, अगर माइनस में लेकर चलेंगे तो आंसर प्लस में आएगा,
तो हर हमेशा प्लस वालों को काट देते हैं, एक्स माइनस पच्चीस बराबर जीरो, तो एक्स बराबर है पच्चीस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारी आयत की चौड़ाई कितना, 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर, अगर लंबाई पूछ देगा तो 25 प्लस 5 यानी कि 30 मीटर। क्या कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो देखिए, x प्लस 5 है तो इसी का मानों भर दिए 25, और प्लस पहले से 5 बराबर हो गया कितना 30। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पहिया 20 चक्कर में 440 मीटर की दूरी तय करता है तो पहिए का व्यास कितना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर एगो पहिया है और 20 चक्कर चल रहा है, कई चक्कर 20 चक्कर चल रहा है, तो ये दूरी टोटल कितना तय कर रहा है, 440 मीटर। तो मीटर चलिए, एक पहिया जब 20 चक्कर चला तो 440, 20 चक्कर चला तो 440 मीटर तय किया, तो एक चक्कर में कितना मीटर, 20 से भाग दे देंगे 22, तो 22 मीटर। ध्यान दीजिए, जब एक चक्कर यहाँ से चलेंगे आएंगे घूमते 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 फिर वहीं पहुँच जाएंगे तो 22 मीटर, इसी को क्या बोलते हैं, परिधि। जब एक बेर घूमेंगे यहाँ से चलेंगे आई सब दूरियाँ तय कर लेंगे तो इसको बोलते हैं परिधि। तो वृत्त के परिधि बराबर 2πr, ये तो हम लोग सत्रह में पढ़ लिए थे, तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे, और r के जगह पर क्या लिखेंगे, वह तो पूछ रहा है, तो r के जगह पर r लिखेंगे। ये हमारा आ गया परिधि, और परिधि कितना, एक चक्कर में जितना चलेगा उसी को बोलते हैं एक परिधि। तो एक परिधि का मान 22, तो 22 मान भर दीजिए, 22 से एक बार में 22 गया, 2/7 बचा, इसको उठा के उधर फेंक दीजिए तो पलट जाएगा, 7/2 3.5 मीटर। जब पूछे कि आपका डी यानी कि व्यास कितना होगा, तो डी बराबर 2r होता है, मैंने कि इसको 2 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ले आपका एक बार हो गया, यहाँ से लेके फिर हेने आई रहती एक बार, दोनों मिल के कई बार 2 बार, उसी को क्या बोलेंगे डी यानी पूरा परिधि। तो एक बार का मान 3.5, तो 2 बार का मान कितना, 7, इसी को बोलेंगे डी यानी कि आपका व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये तो हमको लिखना पड़ेगा, देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि रूट अंडर 15, देखिए रूट के जो अंदर होता है उसको रूट अंडर कहते हैं, जो बाहर होता है कॉर्निया में उसको, मतलब कि जैसे कि 2 इसमें छुपा रहता है तो 2 रूट पढ़ते हैं, 3 रहेगा तो 3 रूट पढ़ेंगे ना, चलिए क्यूब रूट पढ़ते हैं उसको। यदि रूट अंडर 15 इक्वल टू 3.88 हो तो या तब रूट अंडर 5/3 का मान क्या होगा, इसी का मान ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा मान किसका पूछ रहा है, रूट अंडर 5/3 को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर 5 बटा रूट अंडर 3। अब परिमेयकरण कराने के लिए मास्टर साहब सिखाए थे कि नीचवा जो रहता है ना उसी से बार बार गुना करा देते हैं, यानी ऊपर भी और नीचे भी, तो ऐसी संख्या से गुना कराते हैं जिसको मान में फिर चेंज ना आए, हाई दोनों कट जाएगा फिर मान वही हो जाएगा ना। चलिए तो हर हमेशा किसका परिमेयकरण कराएंगे, हर का, जितना हर रहेगा उसी का परिमेयकरण, उसी से गुना कराएंगे। सुनिए ध्यान दीजिए, आप देखिए जब ये गुना करा दिए तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं कि रूट 5 आगुने रूट 3 है, तो इसको लिख सकते हैं कि रूट अंडर 15, आ नीचे वाला रूट 3 और रूट 3 दोनों को गुना कराएंगे तो रूट अंडर 9। सुनिए ध्यान दीजिए, हाई रूट 15 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन इसका तो निकल जाएगा 3। अब देखिए जब रूट 15 का मान दिया हुआ है 3.88 और नीचे आ गया है 3, तो काट देंगे तो 3 से एक बार में 3 एकम 3, जब 8 काटना हो तो 3 दूनी 6, 28 हो जाएगा तो 3 7 9 27 आ गया। कोई डाउट?
चलिए इसको नोट कर लीजिए और बाकी नेक्स्ट दिन अगले क्लास।